नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चैनल के द्वारा आपको रोजाना आंगनबाड़ी से संबंधित और एजुकेशनल न्यूज़ की अपडेट डेली मिलती रहती है। भले ही फ्रेंड्स आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको अपने स्टेट से जुड़ी प्रत्येक खबर की अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, और जो भी खबर आपको मिलती है वो विद प्रूफ के साथ पूरी ऑथेंटिक और पूरी सटीक जानकारी के साथ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हो चुके हैं 25 जनवरी 2020। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज है जारी, वेतन बढ़ोतरी पेंशन, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और पेंशन 6,000 रुपये बहनों की होगी अब बल्ले बल्ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी अपडेट। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने आंगनबाड़ी बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये खबर मिली है कि खेलों से भी नहीं बन सकते अपनी पहचान। आप देख सकते हो, ये खबर हमें मिली है फ्रेंड्स जागरण संवाददाता कैंथल से है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महाराजा सूरजमल जाट खेल स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ CDPO कमलेश गर्ग ने किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुपरवाइजर पूनम देवी रही, और मटका दौड़, आलू चम्मच दौड़, साइकिल दौड़, 200 मीटर दौड़ खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। और CDPO ने कहा कि समय समय पर सरकार की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है, खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और खेलों के माध्यम से ही हम अलग पहचान बना सकते हैं। खेलों के माध्यम से साक्षी मलिक ने कुश्ती में मेडल जीतकर नाम कमाया और गोल्ड गीता फोगाट ने भी खेलों के माध्यम से नौकरी हासिल की, और महिलाओं को भी हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत होनी चाहिए। आप देख सकते हो, इस फोटो में भी दे रखा है आंगनवाड़ी बहनों द्वारा एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हुए। बढ़ते अगली अपडेट की, और अगली अपडेट में मिली है पिथौरागढ़ से कि पिथौरागढ़ में कार्य बहिष्कार में डटी रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इस फोटो में दे रखे हो आप, देख सो आंगनबाड़ी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है प्रदर्शन। बढ़ते दोस्तों अपडेट की, और अपडेट में आई 24 जनवरी 2020 से अपडेट मिली है। आप देख सो 6:19 की अपडेट है, कल शाम मानदेय वृद्धि पदोन्नति समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सूद नहीं ली जा रही है, इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अविलंब समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी, और आंगनबाड़ी संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने स्थानीय रामलीला मैदान टकाना में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और संगठन लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है, मगर उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रदर्शन करने वालों में वीण ब्लॉक अध्यक्ष हेमा पांडे, मीनाक्षी बोरा, दीपा पाटनी, अनुराधा अग्रवाल, कुंती देवी, मीना पांडे और रेखा आदि अनेक आंगनबाड़ी बहनें इस मौके पर मौजूद रही है। और अगली अपडेट आप देख सो, लोहाघाट में भी जारी रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हड़ताल। दोस्तों अपडेट आप देख सो, उत्तराखंड के लोहाघाट से हैं कि जैन लोहाघाट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही, और तहसील परिसर में प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार से 18,000 रुपये मासिक मानदेय देने, सम्मान कार्य के लिए सम्मान मानदेय देने और काम के बदले उचित दाम देने, विभागीय पदोन्नति करने, आयु सीमा का बंधन समाप्त कर रिक्त पदों पर उसी केंद्र की सहायिका को नियुक्ति देने व दीपावली बोनस देने की मांग की गई है। और कहा, जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और इस दौरान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष शर्मिला बोहरा, मीना बोहरा, उषा जोशी, कविता प्रेमा, परमेश्वरी देवी, जानकी देवी, ममता देवी, रूबीना बानो, विमला पुष्पा, पाटनी प्रेमा आदि अनेक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी वो इस मौके पर मौजूद रही है। और ये अपडेट आप देखो, विधायक ने किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। दोस्तों देख सो, बहुत ही बड़ी अपडेट बुलंदशहर से है कि जिले के गांव जटवाई स्थित परिषदीय स्कूल में स्मार्ट क्लास भव्य बनने, आंगनबाड़ी केंद्र और सॉलिड वेस्ट कूड़ा प्रबंधन का उद्घाटन अनूप सर विधायक संजय शर्मा ने किया है। गांव को डेवलप करने के लिए ये विकास कार्य समाजसेवी संस्था आरओ फाउंडेशन एवं HDFC बैंक के नियमित सामाजिक कार्य परिवर्तन के तहत किया जा रहा है। और अगली अपडेट आप देखो, गुड न्यूज, 30 लाख आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के परिवारों को मिल सकती है हेल्थ स्कीम, मजदूरों को भी मिलेगा इसका फायदा। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आप देखते हो कि PMO की पहल पर बढ़ सकता है आयुष्मान भारत का दायरा, 3 फरवरी को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत पर होगी बैठक।
नई दिल्ली से अपडेट मिली है, आप देख सो 5 लाख रुपए की विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय का दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। देश में आंगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ताओं के परिवारों को अब इस योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। 3 फरवरी की कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत की एक अहम बैठक होने वाली है और 20 लाख आंगनबाड़ी सेविका, करीब 10 लाख आशा कार्यकर्ता के परिवारों को इस योजना से शामिल करने के संबंध में पीएमओ के निर्देश पर नेशनल हेल्थ एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया है। इन दोनों परिवार को यदि स्कीम का लाभ दिया जाता है तो पीएमओ जय में करीब 30 लाख परिवार यानी कि 1.5 करोड़ लोग को इसका फायदा मिल सकता है। और अगली अपडेट फ्रेंड्स, आप देख सो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अन्य कार्यों से रहेगी मुक्त। दैनिक भास्कर ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, उसी के माध्यम से अपडेट मिली है। आप देख सो फ्रेंड्स कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अब अन्य कार्य से मुक्त रहेगी। दरअसल प्रदेश में 80,160 आंगनबाड़ी केंद्र तथा 12,070 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। इनके माध्यम से 6 वर्ष तक बच्चों को पूरक पोषाहार आहार देकर कुपोषित करने एवं शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जाती हैं। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को गैर ICDS कार्यों से संबंध किया जाता है और अन्य कार्य नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और अगली अपडेट आप देख सो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व महिलाओं ने जागरूकता रैली निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया है संदेश। आप देख सो अपडेट हमें 24 जनवरी 2020 की है कि आंगनबाड़ी विभाग की सुपरवाइजर कांता रानी ने कहा कि बेटियां समाज की अमूल्य धरोहर है, इस धरोहर को संभाल कर रखना है हर व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। वे गांधीनगर के आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व महिलाओं द्वारा निकाली गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली के दौरान संबोधित कर रही थी। और अगली अपडेट आप देख सो फ्रेंड्स, दिव्यांग महिलाओं की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई गई। जयपुर से दोस्तों हमें अपडेट मिली है, राजस्थान के जयपुर से है, दैनिक भास्कर ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, उसी के माध्यम से अपडेट मिली है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद पर चयनित होने वाले दिव्यांग महिलाओं की राह आसान हो गई है। अब अनुसूचित जाति जनजाति विधवा तलाकशुदा एवं परिवक्ता महिलाओं की तरह चलन दिव्यांग महिलाओं को भी मिलेगा ऊपरी आयु सीमा में शिथिलीकरण का लाभ। नेक्स्ट अपडेट आप देख सो फ्रेंड्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ग्रुप में रोजगार सहायक ने डाली आपत्तिजनक पोस्ट, अधिकारी से की है शिकायत। आप देख सकते हो शहर के आजाद वार्ड भाग 2 की महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने NFST सत्यापन ग्रुप पर उनकी फोटो पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर नाराजगी जताई और कार्यकर्ता ने मामले की शिकायत अधिकारियों से कर कार्रवाई की मांग की। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि BPL की पात्रता पर्ची सत्यापन का सर्वे ऐप पर हो रहा है, इसकी रिपोर्टिंग के लिए NFST अपन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। और अगली अपडेट आप देखो, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब सिर्फ बच्चों की सेहत और शिक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। आप देख सकते हो भोपाल से अपडेट मिलेंगे, 23 जनवरी IANS मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अब न तो शौचालय की गिनती करेगी और न ही कुओं की गिनती करेगी, क्योंकि अब उन्हें एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों से संबंध नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपडेट, आज की जो प्रमुख आंगनबाड़ी आशा वर्करों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट थी अलग अलग स्टेट से, उनकी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने आंगनबाड़ी बहनों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अंत में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला। भगवान करे आपका दिन बहुत ही बहुत शुभ हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग माई वीडियो।